नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मुनचंदा, बाजार की ताजातरीन खबरों के साथ। और आज विशेष तौर के ऊपर ये बताने के लिए कि इस समय पर जो आर्थिक हालात हैं, उन आर्थिक हालातों में कौन कौन से विकल्प इस समय पर सरकार के पास मौजूद हैं, बैंकर्स के पास पर्टिकुलरली मौजूद हैं। ब्याज दरों का ऊंचा होना, रुपए में लगातार गिरावट आना, मंदी की बढ़ती हुई आशंकाएं, कौन से ऐसे विकल्प हैं जो इन सब से निजात दिला सकते हैं, इस विशेष चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के CMD मिस्टर SL बंसल साहब। ये बताने के लिए खासतौर के ऊपर कि इस समय पर जो देश के आर्थिक हालात हैं, रुपए का लगातार गिरना और साथ ही साथ मंदी की बढ़ती हुई आशंकाएं, उस पर सरकार के पास, बैंकर्स के पास कौन से ऐसे विकल्प मौजूद हैं जो आपको इन सब से निजात दिला सकते हैं। वेलकम टू इंडिया न्यूज सर। धन्यवाद सर। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आज की हॉट न्यूज, हर न्यूज़पेपर का पहला पन्ना, हर खबर का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर पहली हेडलाइन बनना, रुपए में जबरदस्त गिरावट, रुपया हर रोज नए निचले स्तर के ऊपर। क्या लगता है इस समय पर एक बैंकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास ऐसा कौन सा विकल्प है जिससे इस गिरते हुए रुपए को थामा जा सकता है, और जो इस समय पर बाजार की जो आशंकाएं हैं कि अब हो सकता है कि बहुत ही जल्द आपको एक डॉलर की कीमत 60 रुपए मिले। नहीं देखिए, इसमें एज ए पब्लिक सेक्टर बैंक, बैंकों के पास इसमें कोई ऐसी जादू की छड़ी उपलब्ध नहीं है जिसके के अंदर बैंक जो है रुपए के स्लाइड को रोक पाए। आपको इसको ये समझना पड़ेगा कि डॉलर की जो कीमत है वो इंटरनेशनल मार्केट में जो इंडिया की आर्थिक पोजीशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर वन, जैसा आपको विदित है कि हमारा इंपोर्ट बिल जो है और एक्सपोर्ट बिल के अंदर हमारा एक भारी अंतर है। पिछले साल लगभग 185 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट था। इसके अलावा हमारे यहाँ जो है अभी इन्फ्लेशन काफ़ी एलिवेटेड लेवल पर है, और इन्फ्लेशन ज़्यादा हमारे यहाँ है और दूसरी कंट्रीज़ के अंदर इन्फ्लेशन जो है उतना ज़्यादा नहीं है। तीसरी बात, इंटरेस्ट रेट का होना, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन हमारे यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, दूसरे कंट्रीज में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। तो इन दोनों की वजह से जो मनी की जो अर्निंग कैपेसिटी है उसके अंदर जो डिफरेंस आता है, उसकी वजह से जो पैरिटी है, परचेज पावर पैरिटी, वो अफेक्ट होती है, और तब जो है करेंसीज का जो मार्केट डिटरमेंट रेट है वो डिसाइड होता है। क्या लगता है इन सब के पीछे गवर्नमेंट पॉलिसीज भी कहीं हद तक जिम्मेवार है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें इसमें निश्चित तौर पे जिम्मेदार हैं जिसमें गवर्नमेंट को हम अकेले दोष नहीं दे सकते। जैसे हमारे कुछ इंपोर्ट ऐसे हैं जिस पे हम लोग खुद अपना एक कंट्रोल कर सकते हैं। पिछले साल तेल के अलावा जो सबसे बड़ा इंपोर्ट का जो बिल बढ़ाने में सहयोग दिया वो गोल्ड इंपोर्ट ने दिया। हमारे जैसे पुअर कंट्री के अंदर लगभग 60 बिलियन डॉलर का गोल्ड इंपोर्ट होता है। मैं समझता हूँ एक साधारण आदमी की हैसियत से कि इस गोल्ड रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, लेकिन ये डेमोक्रेटिक सेटअप। हालांकि इसके लिए वित्त मंत्री साहब ने एक्साइज ड्यूटी जो लगाई, उसके बाद देखा कि सड़कों के ऊपर ज्वेलर्स एसोसिएशन आ गई, ज्वेलर्स ने काफ़ी इसको हंगामा किया, और उसके बाद बैकफुट पर वापस गवर्नमेंट को जाना पड़ा। ये एक उदाहरण नहीं है, ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ पर गवर्नमेंट बैकफुट पर चली गई। मल्टी ब्रांड FDI का एक एग्जांपल है, उसको लेकर के गवर्नमेंट को बैकफुट पर जाना पड़ा। इसके साथ साथ अगर हम एविएशन सेक्टर की बात करें, उसमें FDI का जो मसौदा है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसके अलावा बैंकिंग रिफॉर्म्स को लेकर के भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अभी तक लंबित पड़ी हुई हैं, उस पर भी गवर्नमेंट कोई स्टेप नहीं ले पा रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि अपोजिशन जो है वो स्ट्रॉन्गली आकर के गवर्नमेंट को चारों तरह से उसके ऊपर घेरता है। तो ऐसे में सरकार इसमें क्या कर सकती है, और साथ में ऐसे कौन से विकल्प हैं कि ये सारे मसौदे जो हैं इनसे हट करके, क्योंकि आपने बताया कि सोने का जो इम्पोर्ट बढ़ा वो अभी भी लगातार बढ़ रहा है, और उसके बीच में इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ रही है और इंटरनेशनल प्राइजेस रेज भी हो रही हैं, और इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में तो वैसे ही गोल्ड चाहे इंटरनेशनल मार्केट में गिरे या फिर चढ़े, यहाँ पर तो बढ़ना ही बढ़ना है जस्ट बिकॉज ऑफ डॉलर और जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल मार्केट्स। लेकिन ऐसे कौन से विकल्प हैं जहाँ पर दूसरा रास्ता खोजा जाए? नहीं देखिए, आपने खुद ही आपके सवाल में जवाब आप ही ने दिया उसका। डेमोक्रेसी के अंदर देखिए 1991 तक हमारी स्थिति ऐसी थी कि एक पार्टी की सरकार होती थी, और एक पार्टी की सरकार होने में सबसे बड़ा आराम क्या था कि जो भी उस पार्टी का मैनिफेस्टो था वो जनता के सामने होता था और वो पार्टी उसके ऊपर खड़े करती थी। 1991 के अंदर पहली बार आपको याद होगा नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट आई, वो अल्पमत में थी, लेकिन फिर भी 1996 तक
उन्होंने एक मजबूती से सरकार चलाई और फिर बीजेपी गवर्नमेंट भी जब आई तब एक कोलिशन गवर्नमेंट का दौर शुरू हुआ। अब कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है कि जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनका इंटरेस्ट अपना एक डिफरेंट होता है और नेशनल लेवल की जो पार्टीज़ हैं जिनका एक इलेक्शन मैनिफेस्टो है वो एक विभिन्न परीक्षक में होता है और जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो स्टेट लेवल की बातें सोचती हैं। तो क्योंकि वहाँ पर हमारे देश की विचारधारा में काफ़ी अंतर रहता है तो उस वजह से सरकार कोई भी जो जिस बात को आप कर रहे हैं कि कठोर निर्णय लेना है चाहे वो रिटेल में FDI को इन्वाइट करने का है और एविएशन में FDI को इन्वाइट करने का है या जैसे गोल्ड के ऊपर माननीय वित्त मंत्री ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई और सभी लोग सड़क पे आ गए तो मैं मानता हूँ कुछ कठोर निर्णय लेने होते हैं लेकिन शायद ये प्राइस जो है डेमोक्रेसी का है जो हम पे कर रहे हैं और आगे आने वाले समय के अंदर हमको ये बात समझ में आएगी और कुछ मेजर इश्यूज़ के ऊपर जब तक कंसेंसस नहीं होगा तब तक ये स्थिति थोड़ी डावाडोल रहेगी। लगता है कि 2014 तक तो ऐसी स्थितियाँ बनी ही रहेंगी। अब देखिए ये तो फिर जवाब हमको अपने आप से पूछना चाहिए, हम लोग जो सवाल पूछते हैं और जो सवाल का जवाब देते हैं उनमें से कितने प्रतिशत लोग जो है वोट डालने जाते हैं। सवाल ये है जब तक हम अपना जो है जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाएंगे और हम केवल ड्राइंग रूम में बैठ के सरकार से निर्णय लेने की उम्मीद करते रहेंगे तो सरकार को जो चुनने का अधिकार हमको मिला है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको हम यदि इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति के लिए तो हम खुद ही जिम्मेदार हैं, हम सरकार को कैसे ब्लेम। लेकिन इसके साथ बिल्कुल ठीक बात है आपकी कि इसमें सरकार के साथ साथ विपक्ष भी जिम्मेदार है, ये भी माना कि जो आम जनता है वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। जो इस समय की जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, जिस तरीके का आर्थिक माहौल पैदा हुआ है, जिस तरीके से हम चौतरफा देख रहे हैं US से ये मंदी का जो रुख है वो बढ़ता चला आया है, 2008 से लगातार ये बातें निकल रही थी कि मंदी आ रही है संभल जाइए। यहाँ पर हर भाषण के अंदर वित्त मंत्री साहब के भी यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर साहब के भी भाषण में ये माना जाता था और सुनने को आता था कि विदेशी हालात जो हैं वो चाहे कुछ भी रहें डोमेस्टिक जो स्नैरियोज़ हैं जो फंडामेंटल्स हैं भारत के जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं इसलिए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ जो भी कुछ प्रोड्यूस होगा वो यहीं कंज्यूम भी हो जाएगा इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन अब वही चीज़ रिवर्स हो गई है, वाइस वर्सा हो चुकी है और अब वही वित्त मंत्री साहब और वही प्रधानमंत्री साहब ये कहते हैं कि विदेशी हालात ठीक नहीं है, यूरोप के बैंक्स की हालत ठीक नहीं है, US के बैंक्स की हालत ठीक नहीं है, हालांकि US में चुनाव है अभी शायद उस वजह से थोड़ी बहुत हरी हरी तस्वीर दिखाने की कोशिश है लेकिन हालात अक्टूबर के बाद वहाँ पर भी उभर करके निकलेंगे। तो वो जो चीज़ें पैदा हो रही हैं क्या आपको लगता है कि जो यूरोपियन कंडीशंस इस समय पर हैं वो भारतीय बैंकों के ऊपर इम्प्लीमेंट होंगी और आने वाले समय के अंदर आने वाले स्नैरियों के अंदर भारतीय बैंकों को भी उस दौर से गुजरना पड़ेगा? नहीं, देखिए दो बातें, जैसा कि आपने पहला सवाल किया प्रधानमंत्री का और वित्त मंत्री जी, आज भी हमारे फंडामेंटल इसलिए स्ट्रांग हैं कि जो भी हमारे देश में पैदा होता है लगभग 70% कंजम्पशन जो डिमांड है वो हमारे यहाँ ही कंज्यूम होता है। बिल्कुल। और हम जो फॉरेन ट्रेड पे उतना ज़्यादा निर्भर नहीं है लेकिन फॉरेन ट्रेड के अंदर दो बातें मुख्य हैं, एक तो हम अपनी तेल की आवश्यकताओं को लगभग 80% इम्पोर्ट करते हैं और हमारे पास जब तक तेल के लिए कोई सुरक्षा कवच नहीं होगा या उसका अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी हम नहीं ढूंढेंगे तब तक हमारी विदेशों पर निर्भरता कायम रहेगी। दूसरा कि जैसा मैंने बताया आपको गोल्ड इम्पोर्ट एक ऐसा सोर्स है जिसके अंदर हमको लगातार जो है ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ता है। अब अमेरिका के अंदर या दूसरे यूरोपीय देशों के अंदर जो आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है आप इस बात को मानेंगे कि जब तक वहाँ ठीक था तब तक उन लोगों के पास सरप्लस पैसा था और वो इमर्जिंग मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते थे। बिल्कुल। अब क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो पहले वो पैसा अपने घर को संभालने में ठीक करेंगे और इसलिए हिंदुस्तान के अंदर FDI और FIs का निवेश थोड़ा कम हो गया और ये पैसा क्योंकि कम आ रहा है और आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से एक तो रुपी पे प्रेशर आता है और रुपी पे प्रेशर आने से टेक्निकली आपका एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, इम्पोर्ट कम होना चाहिए जी। लेकिन ये दोनों बातें हमारे यहाँ इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि हमारा इम्पोर्ट जो है वो प्राइस इन इलास्टिक है, इन द सेंस कि प्राइस जो मर्जी हो जाए क्रूड का आपको क्रूड मंगाना ही है और देश की जनता जो है वो प्राइस क्रूड की जो डिमांड है उसको रिस्ट्रिक्शन करने के लिए कुछ निश्चित तौर पे सोचा नहीं जा रहा है कि जैसे हम पूल कार के बारे में इस्तेमाल करने की बात सोचें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा यूज़ करने की बात सोचें, तो ऐसा जब तक नहीं सोचा जाएगा तब तक तेल की डिमांड बढ़ती जाएगी। गोल्ड जो कि एक नॉन प्रोडक्टिव इंपोर्ट है फिर भी वो इंपोर्ट हो रहा है, अभी लगता है कि जैसा रिजर्व बैंक गवर्नर ने भी कहा
लगभग 30% गोल्ड इस बात के लिए इम्पोर्ट होता है कि जो कंजम्पशन के लिए यूज़ नहीं होता, वो केवल लोग गोल्ड मंगा के उसको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए यूज़ करने लगे हैं, कि उनको दिखता है कि गोल्ड की कीमतें बढ़ती जाएंगी तो रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं या वो गोल्ड में भी पैसा लगा के रखने लगे हैं और स्टोर करना आसान है। तो वो भी एज एक इन्फ्लेशन के अगेंस्ट या करेंसी डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट हेज के लिए इस्तेमाल होता है, तो गोल्ड का इम्पोर्ट बढ़ रहा है। इन सब बातों की वजह से देश के अंदर निश्चित तौर पर आर्थिक हालात जो है वो चिंताजनक हैं, लेकिन केवल 2-3 बातें ठीक यदि हो जाएं, मान लीजिए हम अपने खर्चों पे कंट्रोल करना शुरू करें, डिमांड्स थोड़ी सी कंट्रोल करें, तो ये सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और शायद इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक जो है बड़ा कॉशस अप्रोच अपनाए हुए है। पिछले 17 जून को जो रिजर्व बैंक ने 18 जून को जो पॉलिसी दी उसके अंदर इसीलिए उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं घटाया, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाने से डिमांड यदि बढ़ जाती है तो फिर इन्फ्लेशन पर प्रेशर आता है, और इन्फ्लेशन पर प्रेशर आने से और हालत ख़राब हो सकती है। हालांकि इस समय पर जैसा कि अभी आरबीआई की बैठक हुई उसमें भी यही तर्क दिया गया कि इन्फ्लेशन बढ़ने का डर है, और ग्रीस के चुनाव थे उस समय पर, उसको आरबीआई क्लोजली वॉच कर रहा था कि वहां से क्या रेस्क्यू ऑपरेशंस निकलते हैं आर्थिक हालातों के लिए। और दूसरा जो फेड की बैठक थी वहाँ से जो सेंटिमेंट्स अब आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस समय पर जो आर्थिक हालात हैं उसके ऊपर और गंभीर चोट करने की कोशिश है। अगर फेड तीसरा राहत पैकेज देता है तो क्या उसके इम्पैक्ट्स हम आने वाले समय के अंदर कमोडिटी प्राइसेस के ऊपर और साथ ही साथ इंडियन बैंकिंग सेक्टर के ऊपर देख पाएंगे? निश्चित तौर पे। देखिए, यदि फेड जो है उसको कोई राहत पैकेज देगा तो इसका मतलब क्वांटिटेटिवली एक्सपेंशन होगा जी। और यदि फॉरेन मार्केट्स के अंदर एक्सपेंशन होगा तो वो पैसा कहीं ना कहीं जो है जाके रेस्ट करेगा जी। और निश्चित तौर पे वो पैसा ऐसी मार्केट्स में आएगा, इमर्जिंग मार्केट में, जहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है। हिंदुस्तान के अंदर पिछले दिनों आपने देखा NRI का रेट्स भी बढ़ाया, रिजर्व बैंक ने CNR का रेट भी बढ़ाया, उसके पीछे उद्देश्य यही था कि डॉलर और रुपये की पैरिटी को थोड़ा ठीक से रखा जा सके। यदि वहाँ पर इस तरह एक्सपेंसिवली पॉलिसीज अपनाई गई तो हो सकता है FIs के माध्यम से यहाँ पैसा ज़्यादा आए, क्योंकि FDI में पैसा आता है तो वो एक स्टेबल पैसा है जो कि इन्वेस्टमेंट में जाता है और उसका रिपेमेंट उतना जल्दी नहीं होता, वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होता है। लेकिन FIs का पैसा जो हॉट मनी के रूप में आता है वो स्टॉक मार्केट के अंदर एकदम फ्यूल पैदा करता है, मार्केट अप चली जाती है और जब उन लोगों को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो पैसा विड्रॉ होता है। तो ये हॉट मनी जो इन एंड आउट होती है उससे इकोनॉमी को और ज़्यादा क्षति होती है। यदि उन लोगों ने क्वांटिटेटिव मेजर्स लिए और जिससे एक्सपेंशनरी मोड अपनाया तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के लिए वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उससे फिर इन्फ्लेशनरी मोड पर इकोनॉमी आ जाएगी। क्या लगता है आने वाले समय के अंदर ब्याज दरों के अंदर कुछ राहत मिलेगी आम आदमी को? जो EMI का जो बर्डन है वो लगातार बढ़ रहा है और अब शायद टॉलरेंस जो है वो जवाब देने लगी हैं, तो क्या लगता है उसमें थोड़ी सी गुंजाइश की उम्मीद की जा सकती है? आने वाले समय में रिजर्व बैंक क्या करेगा इस बारे में तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता जी। और ये सब इस पर निर्भर करेगा कि बैंकों का कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या होता है। जब तक डिपॉजिट का रेट नीचे नहीं आएगा तब तक एडवांसेस का रेट नीचे आने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन हमने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में पिछले दिनों काफ़ी स्टेप ऐसे लिए हैं जिससे कि ग्राहक का जो EMI का बोझ है वो कम हो सके। जैसे कार लोन के अंदर हमने 5 साल के रिपेमेंट पीरियड को बढ़ा के 7 साल किया। अब जिस आदमी को लोन 5 साल में वापस करना था वो 7 साल में वापस करेगा तो नेचुरली EMI का बोझ कम हो जाता है। ऑफकोर्स उससे ब्याज में कोई कमी नहीं आती, लेकिन एक जो सेंटिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव होता है। इसी तरीके से होम लोन के अंदर जो 20 साल का रिपेमेंट पीरियड था उसको बढ़ा के हमने 25 साल किया, इससे भी EMI का बोझ कम होता है। दूसरा, हमने सभी पर्सनल लोन सेगमेंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बेस रेट कम नहीं हुआ और कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कम नहीं हुआ। ऐसा हमने इस उम्मीद पर किया है कि इससे हमको हो सकता है बिजनेस ज़्यादा हो, और बिजनेस ज़्यादा होने से हम उम्मीद करते हैं कि जो लॉस ऑफ रेवेन्यू हुआ है वो कंपनसेट हो जाएगा। तुरंत बाल लौटते हैं, चर्चा काफी गंभीर है, जानने की कोशिश करेंगे RBI के पास ऐसे कौन से विकल्प मौजूद हैं जिससे गिरते हुए रुपए को थामा जा पाए।